नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 68 कोरोना संक्रमित के जान गेल। अही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमाव वाला के संख्या 7799 पहुँचल। देश भर थप 5042 जना में कोरोना वायरस के संक्रमण पिछला 24 घंटा में पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में 11471 PCR आ 5343 एंटीजन परीक्षण कैल गेल। पिछला 24 घंटा में देश भर 8243 कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में अखन 92928 सक्रिय संक्रमित है। देश भर कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 585001 पहुँचल, जैमे से 484373 जना संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 451 कोरोना संक्रमित थपायल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार सबसे बेसी बारा में 236, धनुषा में 94, महोत्तरी में 53, सिरहा में 28, सप्तरी में 14, सरलाही में 9, रौतहट में 7, परसा में 4 आ अन्य प्रदेशक 5 संक्रमित भेटल। अहि संगे प्रदेश दू में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 34432 पहुँचल। प्रदेश दू में पिछला 24 घंटा में 17 कोरोना संक्रमित के जान गेल। प्रदेश दू में कोरोना संक्रमण से जान गुमाव वाला के संख्या 786 पहुँचल। तहिना 22941 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश दू में अखन 10360 सक्रिय संक्रमित है। प्रदेश दूक बीरगंज महानगर पालिका असार 1 गते से क्रमिक रूप में विद्यालय खोल के निर्णय कल। महानगर पालिका असार 1 गते से विद्यार्थी के उपस्थिति में कक्षा 8 से 12 धर के कक्षा संचालन कर जनाल गेल। धियापुता के शैक्षिक क्षति के मद्देनजर करत क्रमिक रूप में विद्यालय संचालन कर लागल गेल महानगर पालिका बतौलक। शैक्षिक प्रशासन महाशाखा के प्रमुख अरविंद लाल कर्ण सब सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय सब में पत्राचार करत असार 1 गते से विद्यालय संचालन कर आह्वान कलन। विद्यालय संचालन कर 7 शर्त सब से हो राखल गेल। विद्यालय में भौतिक उपस्थिति करबैत, पठन पाठन कर विद्यार्थी के अभिभावक सब से लिखित सहमति लेब आ स्वास्थ्य सुरक्षा के मापदंड सब मास्क, साबुन, पानी से हाथ धोब के व्यवस्था, सैनिटाइजर, भौतिक दूरी, थर्मल गन से प्रेस टेम्परेचर नाप के इत्यादि व्यवस्था कर के कहल गेल। तहिना दोसर सूचना जारी नहीं होब धरि सवारी साधन संचालन में रोक लगाओल गेल। शिक्षण सिकाई के वैकल्पिक उपाय सब विद्यालय अभिभावक बीच सहमति अनुसार लागू कर के असार 1 से 7 गते धरि भरना लगायत व्यवस्थापकीय काज कर कराब के असार 8 से 15 गते धरि भरना सप्ताह अंतर्गत घर दैलो कार्यक्रम संचालन कर के असार 15 गते पश्चात नियमित रूप से पठन पाठन शुरू कराब आ कोनो भी विषम स्थिति देखला पर शैक्षिक प्रशासन महाशाखा में जानकारी कराब निर्देशन अनुसार कहल गेल। बीरगंज महानगर में निजी आ संस्थागत के लगभग 200 के हाराहारी में विद्यालय रहल। नगर प्रमुख विजय सरावगी कोरोना संक्रमण घटित गेला से विद्यालय संचालन कर के निर्णय कैल गेल बतौलन। धनुषा के मिथिला बिहारी नगर पालिका में COVID-19 महामारी नियंत्रण अभियान शुरू भेल। नेपाली जनसंपर्क समिति स्वीडन के सहयोग आ नेपाली कांग्रेस प्रदेश दूत तरुण विभाग के पहल में मिथिला बिहारी नगर पालिका के 200 वार्ड में COVID-19 महामारी नियंत्रण अभियान शुरू कैल गेल। अभियान अंतर्गत स्वास्थ्य सामग्री वितरण के साथ सर्वसाधारण के शरीर के तापक्रम नाप के शुरू कैल गेल। ओहि क्रम में तरुण विभाग प्रदेश दू के संयोजक राम पलटन शाह स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कलन। तारापट्टी प्रहरी चौकी में मास्क, फेस शील्ड, ग्लव्स, सैनिटाइजर वितरण कैल गेल। अभियान अंतर्गत लालीय प्रहरी चौकी आ इलाका प्रहरी धनसाधाम में सेहो स्वास्थ्य सामग्री वितरण कैल गेल। शाह के साथे COVID-19 स्वास्थ्य परामर्श आ जनचेतनामूलक कार्यक्रम सेहो कैल गेल। धनुषा के पोरताहा में बिगड़ कर रोक कर राखल गेल ट्रैक्टर में मोटरसाइकिल ठकरेला से नेपाली सेना के जवान के जान गेल। दुर्घटना में अन्य एक घायल भेल। बीतल रात पूर्व पश्चिम राजमार्ग अंतर्गत गणेश मान चारनाथ नगर पालिका के पोरताहा सड़क खंड में बिगड़ कर रोक कर राखल ना 4-16-82 नंबर के ट्रैक्टर में रा 6-28-36
63 नंबर के मोटरसाइकिल ठकरेला से मोटरसाइकिल में सवार भीमदलगन सप्तरी में कार्यरत नेपाली सेना के जवान 24 वर्षक नरेंद्र गिरी के जान गेल। मोटरसाइकिल में पछा सवार तनहु घर भ शेरगंज सिरहा में कार्यरत 25 वर्षक जीवन तामांग सामान्य घायल भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेबर के प्रहरी निरीक्षक प्रदीप सुवेदी जानकारी देलनि। उपप्रधान तथा शहरी विकास मंत्री राजेंद्र महतो नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य भेला से वही अनुसार के नियम कानून संविधान आ व्यवस्था हेबाक जरूरी रहल बतौलन। शनि दिन जसपा के पार्टी कार्यालय बब्रमहल में नवनियुक्त मंत्री सबके स्वागत कार्यक्रम बाद संचारकर्मी सबके प्रतिक्रिया दैत उप प्रधानमंत्री महतो नेपाल बहुल राष्ट्रीय राज्य भेला से वही अनुसार नियम कानून संविधान आ व्यवस्था में हिमाल पहाड़ तराई मधेश के जनता के सहभागिता हेबाक बतौलन। बहुलता से भरल देश में एकल जातीय राज्य के प्रभाव पड़ल कहत बहुलता में जेबाक जरूरी रहल बतौलन। बहुल राज्य नहीं होब धर जनता अधिकार आ पहचान के लिए आंदोलन करत रहत बतौलन। एक जात एक वर्ग एक समुदाय हो न बहुलता भने को सबै हो त्यसले सबै को राज्य शासन में प्रत हुनु पर्छ पहचान हुनु पर्छ प्रत हुनु पर्छ र यो नभएसम्म देश में जनताले आफ्नो अधिकार पहिचान को लागि संघर्ष गरिरहन्छ आन्दोलन गरिरहन्छ पहिचान को लागि र हाम्रो पार्टी त अधिकार पहिचान को लागि जन्मेको पार्टी न हो अधिकार पहिचान सुशासन समृद्धि को लागि जन्मेको पार्टी हो नेपाल सम्पूर्ण नेपाली को हुनु पर्छ बनाउनु पर्छ जहाँ जहाँ कमी कमजोरी छ जहाँ जहाँ विभेद छ जहाँ जहाँ एकल जातीय राज्य सञ्चालन गर्ने एकल हिसाबले एकल जातीय हिसाबले जहाँ प्रभाव परेको छ त्यसलाई बहुलतामा लैजानु पर्छ र यो सबै जो देश हो राज्यको शासन प्रणाली देखि लिएर सबै सबै ठाउँमा उसको पहिचान प्रत हुनु पर्छ। ओ संविधान अपूर्ण भेला कहत अधिकार आ पहिचान के लेल जसपा मिशन चलाइब रहल बतौलन। देश के सब बात ठीक ठाक नहीं रहल कहत ओ नियम कानून संविधान आ शासन में भेल कमी कमजोरी के संशोधन आ सुधार करत जेबाक जरूरी रहल बतौलन। उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री राजेंद्र महतो के बहुल राष्ट्रीय राज्य स्थापना के लेल राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के तैयारी कर के अभिव्यक्ति बाद विभिन्न क्षेत्र से विरोध शुरू भ चुकल। नेकपा एमाले के नेता वामदेव गौतम उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो से चला रहल मुक्ति आंदोलन नेपाल के विखंडन कर के बतौलन। गौतम नेपाल के विघटन करवला आंदोलन के कोनो भी देशभक्त नेपाली के लिए स्वीकार नहीं हैत बतौलन। प्रधानमंत्री केपी ओली महतो से संचालन कर रहल मुक्ति आंदोलन के संबंध में अनिभिकता प्रकट केने बात सुनला पर आश्चर्यचकित भेल बतौलन। महतो नेपाल के बहुल राष्ट्रीय राज्य दिश ल जा के लेल मुक्ति आंदोलन के तैयारी कर रहल बतौने छला। तहिना एमाले के नेता तथा पूर्व मंत्री गोकर्ण बिष्ट सेहो उप प्रधानमंत्री राजेंद्र महतो द्वारा देल गेल अभिव्यक्ति के विरोध कयलनि। जिम्मेवार पद में रहल व्यक्ति से अय किसिम के अराजक आ संविधान विरोधी अभिव्यक्ति एनाय दुर्भाग्यपूर्ण रहल ओ बतौलन। नेकपा एमाले के नेता योगेश भट्टराई नवनियुक्त उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री राजेंद्र महतो के बोली में लगाम लगाब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सुझाव दिलन। पूर्व मंत्री समेत रहल नेता भट्टराई ई सब निक संकेत नै रहल बतौलन। मंत्री महतो के अभिव्यक्ति से देश के फेर से द्वंद्व तरफ फिरता ल जेबाक आशंका नेता भट्टराई कयलनि। नेपाली कांग्रेसक सहमहामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सत्ता प्रति के लोभ के कारण महंत ठाकुर समूह अवसर के उपयोग केने टिप्पणी कयलनि। सहमहामंत्री महत सरकार में मधेसी नेता जेनाय प्रधानमंत्री ओली शक्ति में कहुना ककर रहब बात के पुष्टि करत बतौलन। पछिला बेर काम चलाओ सरकार मंत्रिमंडल पुनर्गठन करत संविधान कानून के बरखिलाफ जात अपना किछो क सकै छी घमंड देखौने ओली नेता महत बतौलन। मधेशक खास मुद्दा के यथेष्ट राखि कऽ सरकार में गेला पर मधेसी नेता के चरित्र अवसरवादी रहल ओ आरोप लगौलन। कोरोना संक्रमण के जोखिम में अपना विरुद्ध सड़क में क्यों नहीं आओत आ विरोध होब के प्रतिनिधि सभा से हो विघटन कऽ कऽ राष्ट्रपति के आड़ में ओली किछ कऽ सकैत अछि कहि कऽ प्रधानमंत्री काज कऽ रहल बतौलन। होइन अब उहाँहरूको त त्यो अवसरवादी चरित्र त लामो समयदेखि देखिँदै आएको अब निर्वाचनको छेउछाउमा अब त्यहाँको मधेसको मधेसी जनताको कुरा उठ्छ
त्यसपछि चाहिँ के छ भने त्यो कुराहरू चाहिँ हराउँछन् र मूलत उहाँहरू चाहिँ यो सत्ता प्राप्ति र त्यसको चाहिँ त्यो त्यसबाट प्राप्त हुने फाइदा बेनिफिट त्यसमै रमाइरहनु भएको छ। प्रधानमंत्री के असंवैधानिक काज के सर्वोच्च खारिज करत विधि के शासन स्थापित करम में अपना सब विश्वस्त रहल से हो नेता महत्व बतौलने। स्वास्थ्य मंत्रालय मानसून के समय में हो वाला स्वास्थ्य समस्या के सामना कर तैयारी अवस्था में रहल जनौलक। विपत्ति के समय हो वाला विभिन्न स्वास्थ्य समस्या के उपचार कर स्वास्थ्य मंत्रालय तैयारी अवस्था में रहल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के प्रवक्ता तथा एपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा के निर्देशक डॉक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेल बतौलने। बरसात के समय में डेंगू मलेरिया पेट जहरी बुखार लगायत के स्वास्थ्य समस्या अला से ओहन समस्या समाधान के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार रहल बतौलने। विपत से तुरंत उद्धार कर के लिए प्रत्येक स्थानीय में रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठन कर के लिए स्वास्थ्यकर्मी के तालीम द कर राख से हो कहल गेल जानकारी दिलने। स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालीम दिएर जनशक्ति तयार अवस्थामा राखिएको छ। विशेष गरी द्रुत प्रतिकारका लागि त्यो सधैँ आवश्यक हुन्छ। विशेष गरी यस्ता महामारीजन्य रोगहरू भए किनभने यो बाढी पहिरो भएपछि पानीका मूलहरू दूषित हुने पानी दूषित हुने र झाडा पखाला ज्वरो आउँ त्यसपछि मलेरिया अथवा डेङ्गी पनि बढी देखिने गर्छ। त्यसका लागि अब हाम्रो उपचारात्मक चाहिँ सेवा र यो प्रवर्धनात्मक सेवा सँगसँगै जानुपर्ने हुन्छ र स्थानीय तहमा रहेका द्रुत प्रतिकार्य समिति अथवा हामी ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम भन्छौँ उहाँहरूले त्यहाँबाट रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ। हामी पनि सूचनाहरू लिएर कहीँ प्रदेशमा अथवा स्थानीय तहमा जहाँ थप आवश्यकताहरू पर्छ त्यसमा औषधिहरू होला अथवा अन्य राहतका सामग्रीहरू होला त्यसलाई समन्वय गर्छौँ। डॉक्टर पौडेल आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तैयार अवस्था में राखल गेल से हो बतौलने। ओ स्थानीय तह तथा प्रदेश से केंद्र सरकार संग मांग कैल गेल अवस्था में केंद्र में से हो रैपिड रिस्पॉन्स टीम बना चुकल बतौलने। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण एहि वर्ष के विपद के सामना कर पूर्व तैयारी कऽ रहल जनौलक। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख डॉक्टर अनिल पोखरेल एहि वर्ष मानसून के समय में हो वाला विपद बाढ़ भूस्खलन घटना के प्रतिकार्य कर के लिए प्राधिकरण केंद्र से लक स्थानीय तह धरि छलफल शुरू कर तैयारी शुरू के बतौलने। कोविड संक्रमण के जोखिम शहर से गांव गांव पहुँच रहा अवस्था में विपद के उद्धार में खटा जनशक्ति के संक्रमण होवे वाला केना बचा सके प्रमुख चुनौती रहल बतौलने। विपद में उद्धार व्यवस्थापन कर पहल पक्ष स्थानीय सरकार भेला से स्थानीय सरकार सबके विपद पूर्व के नाम में कैल जाए वाला तैयारी सब में जोर देना जरूरी रहल बतौलने। सरकार विपद के समय में खटे वाला वर्ग के पहचान करत खोप लगाव सकला पर काम में सहजता है तो बतौलन। जो काम कर रेस्पोन्डर्स को जो काम कर वहाँ खोप के व्यवस्था में वहाँ प्राथमिकता में दिने अब आज हम जहाज गीन में लेकर आने तस्त लगात नेपाल सरकार ने विभिन्न सरकार के मार्फत जो लाने खोप में फ्रंटलाइन रेस्पोन्डर्स प्राथमिकता में राखने हेल्थ वर्कर्स प्राथमिकता राखने हम सुरक्षा संयंत्र का साथी प्राथमिकता राखने यी यावत कुछ में हमीर स्वास्थ्य मंत्रालय लगात नेपाल सरकार का विभिन्न मंत्रालयस हमीर इसमें समन्वय कर हमीर तैयारी करते। इसके लिए हमीर स्वास्थ्य दुईटा तरीका हेर्छौं। इस स्वास्थ्य मंत्रालय लीड कर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीहरुको जुन यो रोग व्याधहरू चाहिँ यो जुन बर्खामा बढी हुन्छ छ खालका मुख्य गरी कालाजार लगायत हामीहरूको झाडा पखाला लगायत खालका रोग व्याधहरू त्यसैलाई नै चाहिने स्टक गर्नुपर्नेहरू हुनसक्छ सरसामग्री औषधिहरू त्यो त्यसको बन्दोबस्त गर्ने तर यो कोभिडको परिप्रेक्ष्यमा थप गर्नुपर्ने यो दुइटै हिसाबबाट स्वास्थ्यको हिसाबबाट र अर्को यसको लागि न्युट्रिसन खानेकुराहरू पनि हामीले राख्नु। विपद के समय उद्धार में खटे वाला फ्रंटलाइनर के कोविड 19 विरुद्ध के खोप के व्यवस्थापन कर विषय में संबंधित मंत्रालय संग छलफल भ रहल से हो जानकारी दिलन। एहि वर्ष विपद के घटना बढ़ सकबाक संभावना रहल कहत जोखिम कम कर संबंध में पूर्व तैयारी शुरू कर सबक ध्यान आकर्षण करौलने। निषेध आज्ञा के कारण भोर साँझ खाय वाला के समस्या पड़ल मजदूर सबके हमरो टीम नेपाल राहत वितरण कलक। निषेध आज्ञा के कारण काज नहीं पाबि का भोर साँझ खाय में समस्या रहल श्रमिक तथा मजदूर के शनि दिन हमरो टीम नेपाल राहत वितरण कलक। काठमांडू उपत्यका के विभिन्न स्थान से राहत के लिए आयल मजदूर सबके 15 किलो चाउर 3 किलो दालि आ 1 लीटर तेल सहित
राहत स्वरूप वितरण कैल गेल। हमरो टीम नेपाल के अध्यक्ष विमल पंत जानकार दिलन शनि दिन मात्र 400 से बेसी के राहत वितरण कैल गेल जानकार दिलन। हमरो टीम नेपाल समस्या में पड़ल श्रमिक मजदूर वर्ग के निःशुल्क खाना खुआबैत अल त राहत वितरण सेहो करैत अल। जॉय फाउंडेशन नेपाल देश के विभिन्न जिला के स्वास्थ्य संस्था में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहयोग कलक। फाउंडेशन मिलारेपा मेडिटेशन सेंटर साखू, ताइवान एल आई एम चैरिटेबल फाउंडेशन आ ताइवान एल आई एम बुद्धिस्ट सोसाइटी संघ के सहकार्य में देश के विभिन्न जिला के स्वास्थ्य संस्था सबके 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान कलक। नुआकोट, स्यांगजा, मैगदी, गोरखा, सोलुखुम्बू, मनांग, मुस्तांग लगायत के जिला सब में ऑक्सीजन अभाव भेल विभिन्न स्वास्थ्य संस्था में कंसंट्रेटर देल गेल। जॉय फाउंडेशन नेपाल के अध्यक्ष राजू श्रेष्ठ बतौलन स्थानीय तह संग समन्वय करत स्वास्थ्य संस्था में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचाल जा रहल ओ जानकार दिलन। अनि हामीले 100 कंसंट्रेटर मगाएर चाहिँ हामीले जस्तो अहिले चाहिँ स्पेशली कोविड को टाइम में ऑक्सीजन ऑक्सीजन नभएको हामीले थाहा पाएपछि हामीले कोअर्डिनेट गर्यौं र यो बेसिकली चाहिँ हाम्रो मुस्ताङ, मनाङ अनि बेनी पर्वत भयो, गोरखा भयो, लमजुङ, पालु, मकवानपुर भयो अनि अब यो काठमाडौँमा चाहिँ भक्तपुर, अब पाटन, नुवाकोट अनि अब कुनै एउटा मोनेस्ट्रीहरूमा पनि हामीले प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। बर्दिया पनि छ, हजुर बर्दिया छ। अध्यक्ष श्रेष्ठ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से गांव के स्वास्थ्य संस्था में ऑक्सीजन के अभाव के कमो भेलो पर किछ सहयोग पहुँचबाक अपना विश्वास लेने जानकारी दलन बेस्त अपन समाचार एखन लैत वह पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।